हाँ चिंटू जी, फिर से जी कनेक्ट हो गए हम लोग। सॉरी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, जो लोग हम लोग देखने का फिर से। चिंटू जी, तो जैसे जी आपने नाइकी नाइकी में बहुत नाम कर लिया, उसके बाद आपने एक और जर्नी चालू कर दी गायकी की। आपने गाना गाया और आपको इस फिल्म आपको इस फील्ड में भी काफी सफलता मिली। आपका एक गाना पांडे जी का बेटा है, वन ऑफ द बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ भोजपुरी। मुझे लगता है कि अभी के समय में फिल्मी गाने जितने हैं सबसे अधिक व्यूज। मुझे बातचीत हो रही थी आप ही से, शायद दो तीन जी दिन पहले मेरी बातचीत हो रही थी, तो आपने बताया था जी जी 380 बिल्कुल, मिलियंस के करीब है ना, हाँ शायद 360 मिलियन के आसपास कुछ अभी हुआ। 360 मिलियन के करीब है। तो क्या आप आगे भी गायकी को कंटिन्यू करेंगे, या गायकी का कदम जो है वो प्रतिस्पर्धा में लिया हुआ कदम है, या आपके पहले अंदर से गायकी की जिज्ञासा थी कि इसलिए कि नहीं बाकी हीरो लोग भी गायक हैं तो मैं भी गायक बन जाऊं? नहीं, एक्चुअली मैं बात बताऊं भाई कि गायकी का कभी ऐसा कुछ मन में था नहीं कि हम लोग कि मैं गायक बनूं या गाना गाऊं, ऐसा कुछ नहीं था। वो पांडे जी का बेटा हूं, गाना मैंने गाया, पहली बार मैंने गाया। और आपने जो बात बताई, हाँ, कि भोजपुरी सिनेमा का सबसे हाईएस्ट भी हुआ है ये गाना। सिनेमा के जितने भी गाने आज तक आए हैं भोजपुरी सिनेमा के, फिल्मों के गाने, उनमें सबसे हाईएस्ट भी रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब खुशी की बात है, और इस बात के लिए मैं एहसानमंद रहूंगा जीवन भर हमारे सभी दर्शकों के और श्रोतागणों के, जिन्होंने उस गाने को सुना, मेरे मेरी आवाज को सुना, जो कि पहली बार। मेरे ख्याल से ये शायद ऐतिहासिक होगा, ये कि आज तक ऐसा कोई भी गायक नहीं होगा, या कोई भी ऐसा आज तक नहीं होगा जो पहली बार जो पहला गाना गाया और वो सबसे बड़ा सफलता बन जाए। तो ये मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात भी है, और मेरे लिए बहुत बड़े एहसान की भी बात है कि सबने बहुत इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को, जिन लोगों ने उस गाने को पसंद किया। और गाना आगे बिल्कुल लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं गा भी रहा हूँ, जहां भी लगता है तो मैं शौकिया थोड़ा थोड़ा गाते रहता हूँ। ये कोई ऐसा प्रतिस्पर्धा के तौर पर या सिंगर बनना है ऐसे तौर पर नहीं है, बस एक शौकिया तौर पर मैंने इसकी शुरुआत की थी। और उस शुरुआत की भी एक बहुत छोटी सी, एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है जो मैं आपको बताता हूँ। गुंजन सिन्हा जी भी जुड़ी हुई है। हाय गुंजन जी, गुंजन सिन्हा जी हमारे भोजपुरी की आम्रपाली जी, आम्रपाल जी लिख रही हैं कि लोग बिना मतलब ऐसे गंदे गंदे कमेंट कर लें, क्या कीजिएगा आम्रपाल जी, लोगों का काम है करना, अब हम लोग उस पर क्या बोल सकते हैं, हम लोग नहीं, अपना वो काम कर लें। आप उन बातों को आप उस बातों से छोड़ दीजिए, वो तो हम सबको पता है। तो खैर, तो ये जब गाना बना था, तो इसके राइटर हैं सुमित चंद्रवंशी भाई, जो बहुत खूबसूरत गाना लिखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी हिट गाना उन्होंने लिखे हैं। तो वो जब वो गाना लिखे थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे आके बोले कि भाई आपके लिए गाना लिखा हूँ, और बहुत ही कमाल का गाना, और मैं आप ही को सोचकर लिखा हूँ। तो मैं बोला कि सुनाइए। तो उन्होंने जब ये लाइन सुना, तो हम लोग बहुत, मैं भी था, सब लोग थे, तो सब लोग बहुत हंसे भी। मैं खुद सबसे ज्यादा हंसा कि क्या गाना ले आया भाई, कि पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। तो बोले नहीं भाई, आप गाइए, बहुत अच्छा लगेगा, आप करिए, पहले तो गाने की बात नहीं थी, बोले आप करिए, बहुत अच्छा लगेगा, आप इसको फिल्म में डलवाइए। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरी उस वक्त फिल्म बन रही थी माई रे माई हमरा उहे लेके चाहिए, और हमने एक्चुअली उस गाने को रखा था मेरे एक प्रोडक्शन में, जो हम आगामी जो फिल्म बन रही थी उस प्रोडक्शन, मेरे होम प्रोडक्शन में गाना डालने के लिए। लेकिन वो गाना फिर उस फिल्म के निर्देशक थे अजय झा जी, जो उस वक्त वो भी मौजूद थे, तो उन्होंने बोला कि भाई ये गाना बहुत अच्छा है, ये गाना हमको दे दीजिए। तो हमने कहा सर आप डाल दीजिए, आपके फिल्म में पड़े, मेरी बात तो एक ही है, वो गाना तो हमारे ही। तो फिर फिल्म बिल्कुल, गाना फिल्म तो बना, आप ही की है। और जो उस बिल्कुल और जो उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे छोटे बाबा जी, जो बहुत ही कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हिट गाने उन्होंने बनाए हैं, कंपोज बिल्कुल किए हैं, बिल्कुल, बनाए, तो उन्होंने इस गाने को फिर सजाया, इसका म्यूजिक दिया, और फिर इसे रितेश भाई ने गाया था। रितेश पांडे जी हमारे, जो मेरे भाई, उन्होंने गाया था। और फिर उसके बाद हम लोग इस गाने को सुनने के लिए हम लोग स्टूडियो में गए थे। तो हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं छोटे बाबा, और अजय झा जी स्पेशली, अजय झा जी ने बोला कि भाई ये गाना तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा गाए रितेश भाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये गाना आप गाइए। तो मैंने बोला भाई इतना अच्छा रितेश भाई गाए हैं, हम मेरे गाने की कोई जरूरत मुझे लग नहीं रहा, और मैं वैसे भी नहीं गाता हूँ। तो बोले कि नहीं, लेकिन आप गाइए, क्योंकि आपका गाना है, आप गाइएगा तो ये थोड़ा और हाईलाइट हो जाएगा, और लोगों के लिए न्यूज भी रहेगा, लोगों के लिए एक्साइटमेंट रहेगा कि ये पहली बार चिंटू पांडे जी ने गाना गाया है। तो मैंने बोला कि चलिए ये भी, और फिर छोटे बाबा जी ने बोला, मैंने बोला कि मैं ऐसा कुछ बहुत प्रोफेशनल तो हूं नहीं,
तो शायद मैं अच्छा ना भी गाऊं। और मैं आपको बताऊं, मैं तो सच्चाई बता रहा हूं कि मेरे दिल में कि ये डर भी था कि कहीं ये अच्छा गाना है, कहीं मेरे गाने से गाना ना चले, शायद मैं गा दूं और लोगों को शायद पसंद ना आए। जी। तो फिर छोटे पापा ने, लेकिन चूंकि वो थे तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप गाइए, मैं हूँ, हम लोग सब इसको अच्छे से कर देंगे। तो फिर मैंने, फिर हम भी चढ़ गए और गाना गा दिए मस्ती में। और फिर उसके बाद रिजल्ट सबके बीच में, और लोगों ने बहुत पसंद मतलब किया, खुश हुए, तहे दिल। आगे भी आप गाने और गाते रहेंगे बिल्कुल, मैं बिल्कुल गाता रहूंगा और मेरी और कोई कोशिश भी रहेगी कि अच्छा ये अच्छा और गाने जो कोई मिले। प्रति और कोई कॉम्पिटिटिव अंदाज में आपने ये काम नहीं चालू किया कि हाँ गायक लोग भी एक्टिंग करते हैं तो मैं भी कॉम्पिटिव, गायकी। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो इसमें कंपटीशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं ठीक सकता है। वेरी गुड मैं वेरी गुड। गायकी के क्षेत्र में मैं बहुत नया हूं, और मैं गायकी में मैं अपने मतलब मैं किसी से कम्पीट करूं, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरी बिल्कुल अपना स्टाइल है, मेरा अपना फ्लेवर है। और मैं गायकी हो चाहे एक्टिंग हो, मैं कंपटीशन में अगर मानता हूं तो मैं खुद को मानता हूं। वेरी गुड। जी अक्षरा वेरी जी ने लिखा, जेन्यून, थैंक यू सो मच। ये बात लोगों को नहीं पता है, ये बात मैं आपको पहली बार, और जो भी लोग अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, तो उन सबको बता रहा हूँ कि ये मैं अपनी फिल्मों से, मैं अपने एक्टिंग से, मैं खुद को मैं कंपटीशन देता हूँ कि ये मैंने शायद इतना अच्छा नहीं किया था, मुझे अब अगली बार और अच्छा करना चाहिए, अब ये जो कहानी इसमें और अच्छा करना चाहिए। तो मेरा कॉम्पिटिशन मुझसे होता है, मैंने किसी को कभी कोई कॉम्पिटिशन नहीं माना, और मुझे मानने की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल और पांडे जी काफी के बेटा, लोग उनसे बात काफी करूं लोग तो काफी विवाद भी हुआ था उस पर, काफी विवाद हुआ था, हाँ लोगों हाँ ने बहुत सारी बातें, बल्कि उस पर अश्लील का आरोप लगाया था प्रभु। और मैंने बोला कि इसमें अगर अश्लील, फिर तो लहंगे के अंदर क्या क्या जला है, चोली के अंदर क्या क्या हुआ है, तो फिर तो वो तो फिर अश्लीलता की परिकाष्ठा हो जानी चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत सरल आता कि पांडे जी का बेटा हूं, चुम्मा चिपक के लेता हूं। और चुम्मा लेने वाला, देखो भाई, जब गोविंदा साहब ने लिया, द लीजेंडरी श्री अमिताभ बच्चन साहब ने जब बोला कि जुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा, जब उन्होंने चुम्मा लिया, गोविंदा साहब ने चुम्मे पे तो पूरा यूपी बिहार लुटा दिया कि चुम्मा तू हमको उधार दे दे, बदले में पूरा यूपी बिहार ले ले, तो उस पर दिक्कत बिल्कुल नहीं बिल्कुल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जब चिंटू पांडे ने चुम्मा लिया तो सबको बहुत दिक्कत हो गया। तो मेरे चुम्मे से बहुत दिक्कत हुआ सबको। बिल्कुल बिल्कुल। चिंटू जी काफी लोग चिंटू यहाँ जी, चर्चा काफी कर लोग रहे यहाँ हैं कि चर्चा कर रहे आपकी हैं कि आपकी लैला मजनू लैला पिक्चर जो मजनू है पिक्चर जो है वो काफी जी चली वो है काफी चली और है, अक्षरा जी और के साथ अक्षरा आपकी जी के जोड़ी साथ काफी आपकी हिट जोड़ी है काफी हिट है, और जी लोग काफी लिख रहे हैं। लोग काफी लिख आयुष रहे हैं, तिवारी जी लिख आयुष रहे तिवारी जी हैं, लिख रहे हैं। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है, बल्कि अक्षरा जी और मैं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और हम लोग चूंकि सिनेमा परिवेश में हम दोनों का पालन पोषण हुआ है, हम दोनों पले बड़े हैं, तो हमारी दोस्ती सिनेमा से पहले से भी रही है। और चूंकि लैला मजनू, जब हमने फिल्म, हमारे निशान जी ने उसे फिल्म को रिलीज किया था बिहार में, उसके डिस्ट्रीब्यूटर जी यही जी है, जी तो जब इस फिल्म का, जब जब उस कहानी का जब आरंभ हुआ था, तो मेरे पापा ने कहा कि इसमें लैला में तो परफेक्ट, मेरे नजर में तो सिर्फ एक ही है जो सिर्फ और सिर्फ अक्षरा सिंह है। तो हमने फिर वो केमिस्ट्री, और चूंकि काफी समय तक हम लोग पर्दे पर आए भी नहीं थे, काफी समय से, बल्कि मैं कहूंगा पहली बार हम लोग, अगर देखा जाए लॉजिकली, तो पहली बार हम लोग एज ए कपल हम लोग आए, लीड में आए। इसके पहले भी हम लोग सौगंध गंगा मैया की में आए थे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा, हम उसमें तीन हीरो थे, तीन हीरोइंस थी, तो हम उसे प्रॉपर नहीं बोलेंगे। लेकिन इस फिल्म में चूंकि हम दोनों, और लोगों को हमारी जोड़ी पसंद आई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल पराग पाटिल जो पराग डायरेक्टर हैं पाटिल वो जो भी जुड़ गए डायरेक्टर हम हैं लोग वो के भी साथ। जुड़ गए हम लोग के साथ। ओ पराग जी, स्टाइल सिनेमा, हमारे पराग जी जुड़ चुके हैं। पराग जी के साथ अभी मैंने एक फिल्म की है, दोस्ताना जी दोस्ताना। दोस्ताना जी चिंटू जी जी वर्तमान दल चिंटू के जी, जितने भी वर्तमान दल के सुपरस्टार्स जितने हैं भी सुपरस्टार्स हैं जी वो सब शादीशुदा वो हैं सब आपको शादीशुदा छोड़ हैं के। आपको छोड़ के आप जी मोस्ट बताइए, आप मोस्ट इलिजिबल मजनू इलिजिबल हैं मजनू हैं जी, जो जो आप पहले तो क्लब कनेक्शन घबरा मेरा रहा है वीडियो किशन पॉज घबरा हो रहा है गया क्या किशन। प्रभु? देखिए लगता है देखिए तो पॉज हो रहा है लगता है फिर पॉज हो रहा है, से भेजिए भाई फिर से भेजिए भाई। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तुरंत। चिंटू जी एक बार फिर से लेफ्ट हो गए हैं, फिर से कनेक्ट करते हैं हम लोग उनको। क्योंकि तो चिंटू नेपाल में है तो इसलिए बार बार बात करने में बहुत परेशानी हो रही है और अभी काफी सवाल बाकी है जो चिंटू जी से हम लोग को जानना है।
चिंटू जी को फिर से रिक्वेस्ट भेजा है मैंने। लोग लिख रहे हैं ये क्या हो रहा है, पता नहीं भाई क्या हो रहा है आज। चिंटू जी का नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम में है, कभी कभी मेरा नेटवर्क होता है, लेकिन आज मेरा नेटवर्क ठीक है, बार बार उनका नेटवर्क गबरा रहा है। चिंटू जी अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो तो आप जल्दी कनेक्ट हो, लोग वेट कर रहे हैं। हाँ चिंटू जी जी फिर से कनेक्ट हो। तो वर्तमान दौर के जितने भी सुपरस्टार्स हैं चिंटू जी, वो सब शादी शुदा हैं आपको छोड़कर। आप मोस्ट इलिजिबल मजनू हैं, जो समय तो समय समय पर आपके लैला की भी खबरें आती रहती हैं। जब मजनू है तो खबरें तो आएंगी ही लैला की। तो लैला लैला एक ही है, या लैला से कभी हीर, कभी वो क्या बोलते हैं सीरी, कभी जूलियट, ऐसा चेंज होता रहता है जीवन में? एक ही लैला या बहुत है? समय समय पर बदलती रहती है लैला की, एक ही है, बताइए दर्शकों को। ये तो ये सवाल, मैं सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, इस सवाल से कि आपके दिमाग में ये सवाल आया अरे भाई आता है, कहां सब टीम होती है और मैं होता हूँ, तो जो चीजें जो चर्चा चलती है इंडस्ट्री में, सवाल है उसको ही बनती है। आपका भी कोई लैला होगी कोई? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने लैला किसको सुना है, हीर किसको सुना है, शिरीन किसको सुना है, नहीं, भाई तो जूलियट किसको सुना मैं कैसे बताऊंगा, ये तो आप बताएंगे। मैंने जो सुना है वो मैं बोल नहीं सकता हूँ ना, ऐसा लोग अनुमान लगा। देखिए अक्षरा जी भी लिख रही है, बहुत है, कुछ तो बात है भाई। बहुत हाँ वो भी लिखनी है, बहुत है, तो बताइए एक्चुअली आप। देखिए, मैं सच्ची बताऊं, मैं सबको बहुत प्यार करता हूं, और मैं सबको इसलिए भी बहुत प्यार करता हूँ, उसका रीजन भी ये है कि सभी बहुत खूबसूरत हैं सबसे पहली बात तो, और सभी बहुत कमाल के अभिनेत्री हैं। और मेरे हिसाब से मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि शायद हमारे भोजपुरी में जो एक्ट्रेसेस हैं, जितनी भी हीरोइंस हैं, वो जिस सिचुएशन में और जिस कंडीशंस में काम करती हैं यहाँ पर, ये आपको ही पता है। अगर वैसा कोई और इंडस्ट्री वाली करके दिखा दे तो मैं नाम बदल दूं और मैं इंडस्ट्री छोड़ दूं। जिस कंडीशन में और जिस चीजों में ये लोग काम करती हैं, हमारी जितनी भी अभिनेत्रियां हैं, जितनी भी हमारी देवियां हैं हमारी इंडस्ट्री में, सब लोग जिस कंडीशन में हम काम करते हैं, ये बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है किसी भी लड़की के लिए। और मैं उन सबको इस बात के लिए मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि सब लोग अपनी मेहनत पर, अपनी अपनी काबिलियत पर अपनी जगह बनाए हैं। तो मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ, सबको बहुत मानता हूँ, और इसीलिए आप देखेंगे कि मेरी हर फिल्म में, चाहे कोई भी फिल्म हो, जितनी भी मेरी को एक्ट्रेसेस होती हैं, उनके साथ मेरी केमिस्ट्री, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हमेशा अच्छी होती है कि भाई ऑन ताकि स्क्रीन, देखिए अक्षरा जी वहां लिख रही हैं, मैं ऑन स्क्रीन की नहीं ऑफ स्क्रीन की बात कर रहा हूँ भाई। ऑन स्क्रीन तो देख रहे हैं ऑफ आप। स्क्रीन केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। आप ये अभी चूंकि अक्षरा जी जुड़ी हुई है इस वक्त, आम्रपाली जी हाँ तो शायद कुछ व्यस्त हो गए होंगे, आप उनसे ही पूछ सकती हैं नहीं ऑफ नहीं वो स्क्रीन भी जुड़ी केमिस्ट्री। हुई है, आम्रपाल जी भी जुड़ी हुई हैं, आम्रपाल जी भी देख रही हैं, रक्षा गुप्ता जी देख रही हैं, काफी लोग देख रहे हैं हाँ हम लोग को, वो रक्षा लोग। हाँ गुप्ता, अभी रक्षा गुप्ता के साथ मैंने दोस्ताना एक फिल्म है जिसमें ये बतौर नायिका लॉन्च हुई है। उसके बाद एक और खूबसूरत फिल्म है जिसका नाम अभी फाइनल किया जा रहा है, उसमें भी वो हैं, उनके साथ भी काम किया है। तो आप उन सब से भी पूछ सकते हैं, मैं ऑफ स्क्रीन भी उतना ही मैं नहीं चार्मिंग और पूछूंगा, उतना ही। आप अपना आप बताओ, लैला है आपके जीवन में कोई? लैला सीधी वो क्या कहते हैं कि जूलियट, मैं इंतजार में हूँ, मैं इंतजार में हूँ कि इंतजार। मुझे मेरी परमानेंट लैला मिल जाए, परमानेंट ओके ओके जूलियट मिल जाए, परमानेंट हीर मिल जाए, परमानेंट शेरिन मिल जाए। लेकिन और ये तय करने का जो निर्णय है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता को जाता है, उन्होंने ही वही तय वो लिख करेंगे। रहे हैं, वो चाची लिख रहे हैं, पराग पाटिल जी। चाची, चाची मतलब पराग जी, नाम लिखो चाची यार, चाची लिखने से क्या होगा? चाची कौन है? पराग जी नाम लिखिए, आप चाची लिख नाम के नहीं लिखे, बच नाम सकते, लिखे। आप हाँ नाम लिखिए, चाची लिखे, नहीं बस नाम लिखे। चाची लिख के नहीं बच सकते। तो मैं इंतजार में हूँ, और जो हाँ आपका सवाल था, और वो इंतजार मेरे माता पिता को मुझसे ज्यादा है। मेरे माता पिता जिस दिन चाहेंगे
उस दिन मेरे घर में मेरी लैला हो या मेरी शिरीन फर जो भी उनको बनना देखिए हो वो बन अभिनेत्री सके। अभिनेत्री प्रीति प्रीति शुक्ला करके अभिनेत्री हैं जो बबली की बारात से लॉन्च हुई हैं, वो भी लिख रही हैं डिप्लोमेटिक आंसर। हीरोइनों को भी लग रहा है कि आप डिप्लोमेटिक जवाब हाय दे रहे हैं, प्रीति। जेन्युइन जवाब नहीं दे नहीं रहे हैं। डिप्लोमेटिक जवाब की बात ही नहीं है। लैला देखिए मेरे क्या आपने आज तक कभी सुना आपने आपसे नहीं अरे पूछा भाई, होगा, आपने बहुत कुछ मैं सुना भी होगा तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर थोड़ी बोलूंगा। मैं तो अभी इंटरव्यू सेशन चल रहा है, क्वेश्चंस का सिर्फ जवाब लेना है मुझे, और मेरी कोई भूमिका नहीं है। हाँ इसीलिए मैंने तुरंत आपको बोला कि आप सुने नहीं होंगे तो मैं आपसे नहीं जानना चाहूंगा। तो बातें हैं, लोग बातें करते हैं ओके ठीक बातें करते हैं, है। तो बातों भाई पे चिंटू कोई को अपनी लैला की खोज जारी रखी है चिंटू जी ने, तो हो जितने जाएगी। जो लै हाँ तो चिंटू जी को भगवान करे बहुत जल्द बहुत अच्छी लैला मिल जाए। मैं चिंटू जी बदनाम ज्यादा हूँ, आपका मैं बता दूं, आवाज मैं मिल रही थी बदनाम चिंटू जी, ज्यादा हूँ। वो बंदा बदनाम है, मतलब आप भी मान रहे हैं कि जो बातें मेरे पास आई हैं वो सही है, बदनामी है आपकी। और उतना ही सम्मान करती हैं, और मैं भी उनका उनसे ज्यादा सम्मान करता हूं और उनसे ज्यादा प्यार करता हूं। ओके मतलब बदनामी है, मतलब कुछ तो मामला होगा। चलिए इसको बहरहाल आपने बोल दिया कि कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको चिंटू आपका आरोप लगता है कि जो आपके सीनियर कलाकार हैं आप उनको सम्मान नहीं देते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो हाँ कुछ लोगों का आरोप हो सकता है, ये आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ लोगों का हो सकता है, क्योंकि वो जिन लोगों का यह आरोप होगा वो आपको पता होगा कि हमारे जब घोड़ा घोड़ा जब चलता है तो उसको ऐसे लगाया जाता है आजू बाजू से कि ताकि वो एकदम सीधा ही देखे, उसको यहाँ और यहाँ कुछ ना दिखाई दे, जबकि बिल्कुल हम सब इंसान है, हमें तो मौका दिया ईश्वर ने कि हम यहाँ वहां चारों तरफ देख सकते हैं और हम सच्चाई का पता कर सकते हैं। और आपको यकीन ना हो, आपको भी, और जो लोग अगर ये दावा कर रहे हैं और जो लोग अगर ये आरोप लगा रहे हैं और साथ साथ जो लोग देख सुन रहे हैं, तो मेरे जितने भी इंटरव्यूज हो, जितने भी इंटरव्यू हो यूट्यूब पर, और जब भी मुझसे मेरे किसी भी सीनियर कलाकार के बारे में पूछा गया है, मैंने हर किसी का उनके प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ मैंने उन्हें वो जो उन्होंने जो अचीव किया है, मैंने बल्कि उससे ज्यादा मैंने हमेशा बोला है, और मैंने हमेशा मेरे मेरे शब्द में आपको वो सम्मान दिखेगा। लोग यहाँ पर, मैं आपको एक बात बता दूं प्रभु, लोग यहाँ पर लोगों को सिर्फ सम्मान लेना आता है, सम्मान देना नहीं आता है, काफी लोग ऐसे हैं, और वो बहुत गलत बात है। जब आप सम्मान लेते हो, जब सामने वाला आपका सम्मान कर रहा है और तहे दिल से कर रहा है, मैं तहे दिल से करता हूं, जब तहे दिल से अगर कोई कर रहा है तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उसे सम्मान ही दें, है ना। एक इंग्लिश में कहावत है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। बिल्कुल, तो आप उन लोगों का सम्मान दे आप। लेकिन मैं तो फिर भी ये बोलता हूँ कि टेक रिस्पेक्ट एंड देन गिव रिस्पेक्ट, नो इश्यू, कि आप पहले सम्मान ले लीजिए फिर आप सम्मान दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन सम्मान आपको भी देना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा से छोटा कलाकार हो। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जैसे नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, एक्चुअली नेपोटिज्म की वजह से ज्यादा तो हमारे यहाँ पे हमने तो एक वो भी चीज झेली है, जो लोग लोगों ने एक समय था जब दरकिनार कर दिया था हमें, उसका कारण भी यह था कि ये क्या चलेगा, ये तो बच्चा है, ये सब कई सारी बातें थी। तो हमारे सीनियर्स का भी ये फर्ज बनता है कि वो ऐसे किसी शब्द का उपयोग ना करें, कोई भी नए कलाकार के लिए, अगर नया कलाकार कोई भी आ रहा है, अपनी मेहनत से आ रहा है, तो सीनियर्स का ये फर्ज बनता है कि उसे आशीर्वाद दे, उसे सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी अपनी जगह बिल्कुल है, वो आपकी अपनी आपकी अपनी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है, वो कोई नहीं ले सकता है इस धरती पे, जो आपने जगह बनाया है और जो आपकी अपनी जगह है वो कोई दूसरा नहीं ले सकता है। और हम जो हम या जो भी, और बाकी लोग भी जो भी काम करने, अब मेरे बाद भी कई लोग आए हैं काम करने के लिए और कई लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं, और मेरा अगर मेरे सामने जब भी कोई बात आती है तो मैं भरे मुंह में, बड़े शब्दों में मैं उनका सपोर्ट। जीवन भर करता रहूंगा, ऐसा नहीं, मैं जीवन भर करता रहूंगा, क्योंकि वो हमारे उन्होंने मुझसे पहले, वो हमारे गार्जियन हैं सभी, वो सभी मुझसे बहुत बड़े हैं, और
उन सभी ने एक स्तंभ स्थापित किया है भोजपुरी के लिए, जिस पर आज हम अपने अपना जो कार्य क्षेत्र हम काम कर रहे हैं, तो ये उन सब की मेहनत, उन सब की मेहनत है। तो उसके लिए हमेशा मैं उनका सम्मान करता रहूंगा, जीवन भर करता रहूंगा, और जीवन भर उनका मैं उनसे ये मेरी खाली बस इतनी आग्रह होती है कि बस वो मुझे प्यार करें, अपने छोटे बच्चे की तरह प्यार करें, भाई की तरह प्यार करें, जैसे भी हो वो मुझे प्यार करें, बस मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। चिंटू, नए दौर के मॉडल नवीनेता में आपका नाम शुमार है कि मॉडल नवीनेता है आप। एग्जैक्टली यूथ्स के सुपर स्टार बोलते हैं लोग आपको, स्टाइलिश स्टार। तो आपसे उम्मीद भी है कि कुछ नया करें आप, लेकिन आप भी रूटीन सब्जेक्ट्स की फिल्में ही लगातार कर रहे हैं, 90 के दशक की जी फिल्में ही भोजपुरी में बन के आ रही, इस पर क्या बोलेंगे आप? ये देखिए वही बात है ना कि कोई अकेला चना भात नहीं फोड़ सकता है, कोई अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जब तक सबकी उसमें बराबर का जब तक योगदान नहीं होगा, और जब 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 तक सबकी मेंटालिटी और सोच एक तरीके से नहीं चलेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जैसे आप अभी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आए भोजपुरी में। हमारी जब भी बात होती है तो आपने हमेशा एक बात कही है कि हम नया नया हम लोग बिल्कुल लाते हैं। बिल्कुल भाई, मैंने आपको आपको ये चीज आपको याद होगा कि मैंने हमेशा इस चीज का आपका स्वागत किया है। मैंने इस चीज के लिए मैंने हमेशा इस बात के लिए बिल्कुल आपका बिल्कुल अभिनंदन भी किया है कि आप बहुत सही कर रहे हैं और ये हमें करना भी चाहिए। तो बिल्कुल हम एक्टर हैं, मेरे पास जैसी स्क्रिप्ट आती है मुझे वैसा काम करना होता है। मैं ये हमेशा प्रयास रहता है कि कोई भी नया स्क्रिप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, मैं उसको तुरंत करूँ। और मैंने कई बार, ये आप भी जानते हैं कि मैंने कई बार अपने पैसों को, अपनी फीस को बहुत कम करके मैंने काम किया कि ताकि वो कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में आए। जैसे मेहंदी लगा के रखना 2 हो गया, आपका विवाह हो गया, तो ये जो अभी दोस्ताना जो आने वाली है, जिसके आप प्रोड्यूसर हैं, और हमारे भोजपुरी के टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक, जिनके बहुत बड़ा नाम है, जिनका प्रदीप सिंह जी, जिसके निर्माता हैं और जिसके निर्देशक हमारे पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा है, पराग पाटिल जी हैं। अभय तो अभय एक अभय बेहतरीन, सिन्हा जी ने उस फिल्म को पूरा वर्ल्ड वाइड खरीदा है, सिन्हा अभय जी ने सिन्हा उस फिल्म को जी। लिया है, अभय सिन्हा जी का उसमें प्रेजेंट। तो ये देखिए, बिल्कुल ये आप सब लोग जब एक साथ होकर, जब कोई भी एक, आप सभी लोग देखिए, आप लोगों ने इस भोजपुरी सिनेमा के स्टार्टिंग से आप लोग अब तक इस सिनेमा को देख रहे हैं। इस दौर की बात करो तो जब जब भी आप सबका इस पदार्पण हुआ इस सिनेमा में, आप लोग देख रहे हैं, तो आप सबको बेहतर पता है इस बारे में कि हमें अब इंडस्ट्री को अब क्या बदलाव चाहिए, दर्शकों को क्या बदलाव चाहिए। तो वो आपने सही है, उसके लिए लेकिन सबसे, आपको लोग मॉडर्न समझते हैं तो आपको लगातार इस तरह की फिल्में करनी बिल्कुल, चाहिए, मैं मेरा पूरा एक खुश हूँ। सुझाव जैसा अभी होगा। प्रेम गीत का ट्रेलर आया तो लोगों ने उसे बहुत सराहा। प्रेम गीत में देखिए बिल्कुल एक नया स्टाइल है, और जय शंभू में बिल्कुल एक नया स्टाइल है, विवाह एक बिल्कुल पूरी। तो मेरा ये बहुत ज्यादा प्रयास हो रहा है। मैं अब जितनी भी फिल्में कर रहा हूँ, मैं सारी पूर्णता पारिवारिक और नए कॉन्सेप्ट बेस पर, नए स्टाइल के साथ, कि ताकि एक वो जो मेकिंग का भी जो स्टाइल होता है, ना कि सिर्फ कहानी, ना कि सिर्फ कैरेक्टराइजेशन, बल्कि जो मेकिंग का भी स्टाइल है वो भी मैं नया लेकर आ रहा हूँ। कि ताकि मैंने कई टेक्नीशियंस को मैं बाहर से भी लाया हूँ, ये बहुत लोगों को पता है, मैं कई सारे टेक्नीशियंस को, चाहे वो DOPs हो, फाइट मास्टर्स हो, कोई भी हो, बाहर से लाया हूँ, कि ताकि एक नयापन आए हमारे भोजपुरी में। और अधिकतर हिंदी सिनेमा जगत के जितने एक्टर्स है, सबके मोस्टली लोगों के साथ मैंने काम किया है, इसीलिए कि ताकि लोग बोलते हैं ना कि भोजपुरी से लोग तड़प रहे हैं हिंदी में जाने के लिए। काफी लोग को देखता हूँ मुझे को बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, जिनको खाली एक छोटा सा मौका मिल जाए कहीं खड़ा होने का तो वो भी जाके खड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें वो तड़प उन लोगों में पहुंचानी है कि आप लोग आओ हमारे भोजपुरी सिनेमा में। हमारा भोजपुरी सिनेमा बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। तो मेरा और मेरे पापा का भी हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम लोग हिंदी से हम लोग हमारे भोजपुरी में लेकर आए, बाकी भाषा से हम हमारे भोजपुरी में लेकर आए, तो तभी हमारे भोजपुरी सिनेमा का और इंडस्ट्री का बढ़ेगा हमारा इंडस्ट्री। तो हम यही प्रयास में मतलब हैं। चिंटू जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो दर्शक उनमें छवि देख रहे हैं बिल्कुल मॉडल नायक की, तो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं। चिंटू जी, आपके बिल्कुल साथ काम किए हुए कुछ निर्देशकों से बात करते हुए ये जानने में आया कि आप निर्देशकों के काम में सेट पर इंटरफेरेंस करते हैं, इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है? क्योंकि अमित जी से लेकर के अक्षय कुमार तक, या भोजपुरी में जी दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से लेकर के खेसारी लाल यादव तक डायरेक्टर्स के काम में दखल नहीं देते, चूंकि आपके पिताजी निर्देशक हैं, इसलिए इन चीजों की जानकारी आपको, सो आप इंटरफेयर नहीं करके उसमें कुछ सजेशंस देते हैं, इसलिए लोग आपको ऐसा आपके बारे में बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं आपको इसके पीछे एक बहुत अच्छी बात है मैं आपको बताना चाहूंगा।
बताइए कि बताइए। जब अभी इसके थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया और बाकी हमारे लोगों को भी कि एक वक्त था जब हमने भी काफी कुछ बहुत झेला है, लोगों ने हमें बहुत दरकिनार कर दिया था सभी ने। जब मैं नया नया अच्छा जब तक मैं हीरो सोलो हीरो लॉन्च नहीं हुआ था तब तक सबका रवैया मेरे मेरे प्रति बहुत अलग था, मतलब बहुत ज्यादा अलग था। और जैसे ही हमने जीना तेरी गली में शुरू की, जैसे ही मैं एज अ सोलो हीरो लीड हीरो मैंने लॉन्च हुआ, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का रवैया बहुत एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया, अचानक से चेंज हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये वो है ही नहीं जिनसे हम अभी मिलते थे कुछ दिन पहले, जिस बड़े बाहें फैलाकर जो लोग मिलते थे, खुशी से, जिस लगाव से मिलते थे गले, अब वो फीलिंग ही नहीं है, अब वो मिलना मिलाना भी नहीं है। तो जब वो चीजें जब शुरू हुई तो लोगों ने ये बातें शुरू कर दी, ये अफवाह उड़ाना शुरू कर दिया कि चिंटू जो है वो लोगों के काम में इंटरफेयर करते हैं। मेरे साथ, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ जितने भी निर्देशक, मेरे जो भी मेरे कैप्टन मैं कहूंगा उन्हें, मेरे गार्जियन कहूंगा, मेरे पिता स्वरूप हैं सभी, चूंकि मेरे पिता खुद वो उस फील्ड से हैं, वो खुद डायरेक्टर है। और मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया है सबकी ये हमेशा इच्छा रहती है कि मैं उनके साथ दोबारा काम करूं, तिबारा काम करूं, चार पांच हर मैक्सिमम फिल्म उनके साथ करूं। और हर निर्देशक ये बोलता है कि वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मेरे साथ है। तो अगर मेरा इंटरफेरेंस होता या ऐसा कुछ होता तो बिल्कुल नहीं होता। अब जैसे हमारे साथ पराग पाटिल जी ही जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा। बार बार कनेक्शन कट जा रहा है कनेक्शन कट जा रहा है एक्चुअली चिंटू। अब नेपाल में है, यहाँ पे नेटवर्क का बारिश भी काफी हुआ है, तो शायद इसके वजह से नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बिल्कुल, चिंटू जी, मतलब आपका चिंटू जी, कहना ये है आपका कि आप कहना ये किसी है भी कि आप निर्देशक किसी के भी साथ निर्देशक के साथ इंटरफेरेंस नहीं करते? इंटरफेरेंस नहीं करते? बिल्कुल नहीं, वही मैं कहना चाहता, जो मेरी आखिरी बात, आखिरी लाइन वही चल रहा था कि लोगों ने अफवाह उस चीज का उड़ा दिया कि ताकि लोग मेरे प्रति नेगेटिव हो जाएं, लोग मेरे साथ काम ना करें। देखिए, ये सेम चीज मेरे साथ हो चुका है और मैं उन सभी चीजों से गुजर चुका हूं जो सेम हमारे लेट श्री सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ हुआ है। और ये ओके बात मैं ओके बहुत बेबाकी से इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे और जब ये चीज जब सुशांत जी वाला जब मुझे चीज जब सुशांत सर वाला जब मुझे घटना सुनने में आया, तो मैं मेरे दिल को बहुत 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 ही तुरंत एक झटका लगा। और उसके तुरंत बाद मैंने सोचा कि ये, लेकिन हम ईश्वर के आगे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल वो कदम सराहनीय कदम नहीं था जो उन्होंने किया। लेकिन मैं तो बस यही कहूंगा, मेरी यही कामना है कि ईश्वर उनके आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके अपने शरण में जगा दें, बिल्कुल और बिल्कुल जो बिल्कुल चीज बिल्कुल उनके साथ हुआ है वो दोबारा किसी के साथ ना हो। इसके लिए मैं खुद, जो आपने नेपोटिज्म की बात की थी, दरअसल मैं तो उसका उल्टा शिकार हुआ हूँ। फैमिली में मेरे पिता के मेरे इतने बड़े नाम के रहने के बावजूद भी लोग ये नेगेटिविटी, और लोगों ने हर संभव प्रयास किया है प्रभु, हर संभव, कि मैं इस इंडस्ट्री में मेरे नाम की नेगेटिविटी फैल जाए, मैं नहीं काम कर पाऊं, मेरी फिल्में छीन ली गई। चलिए चलिए, आप आपके दर्शक आपके साथ आपके हैं। दर्शक आपके साथ हैं। लोगों ने मतलब अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक ये प्रयास किया है कि मेरी फिल्में मुझसे हट जाए, लोग मुझसे फिल्में ना चलें। लेकिन क्या कहा जाता है ना कि एक कहावत है कि वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है मंजूरे खुदा होता है। तो जिसको चलना होता है वो किसी भी राह में चलेगा। जैसे पानी का धार, नदी के धार जब निकलता है पहाड़ों से, तो उसे कई चट्टान आते हैं बीच में रोकने के लिए कि नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, चलिए लेकिन वो चलिए, नदी, वो काफी पानी उस चट्टानों को तोड़ के कुछ अपनी अच्छे राह लोग बना। भी हैं कुछ जिनके अच्छे साथ लोग भी आपको हैं मिला जिनके है साथ चिंटू, आपको मिला है चिंटू, बिल्कुल। और और इसीलिए उन्हीं आप लोगों का और मैं इसीलिए हमेशा, बेशक उन्हीं इसलिए लोगों बेशक में मैं हमेशा, मैं उन लोगों का तहे दिल से मैं सम्मान करता हूं। और मैंने आपको पता होगा, अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू में जुड़ते ही मैंने सबसे पहले उन सभी का धन्यवाद किया कि आपने जब मेरे बारे जी में जी जब आपने जी जी इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद मैंने कहा कि ये सभी लोग नहीं कहते हैं, ये आप भी जानते हैं, सब लोग सीधा एक ही जगह टारगेट करते हैं, लेकिन मैं हमेशा जी ये जी बात बोलता हूँ, जी जी चाहे मेरी कोई भी इंटरव्यू हो, कि मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें मेरे सिनेमा परिवार के लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है, सबने बहुत मेहनत की है मेरे पीछे। तो ये मेरे प्यार है, बिल्कुल मेरे लोगों का बिल्कुल आशीर्वाद है, और मैं चाहूंगा कि ये प्यार, ये आशीर्वाद तजीवन हमेशा ये कायम रहे। मैं छोटा हूं, मैं बच्चा हूं, मेरा हक बनता है कि मैं अपने बड़ों से मैं जिद करूं, गुस्सा करूं, या मैं कोई कोई मांग करूं, लेकिन मेरे बड़ों लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि जो जो भी मुझसे बड़े हैं, अगर जो सीनियर्स कहते हैं मुझसे कि भाई मैं सीनियर हूं इनका, तो
तो उनका भी कर्तव्य है कि फिर वो मेरा मेरे इंसान अगर मेरे कोई भी मैं गलत बोलता भी हूँ तो उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मेरे साथ रहें, मेरा हाथ पकड़ें, मुझे सही रास्ता दिखाएं। क्यों नहीं दिखा सकते? जब भाई जब परिवार बोलते हैं आप मुझसे बड़े हैं, आप अगर आपको लगता है तो आप आइए मेरे पास, आप मेरा हाथ पकड़िए। अगर बच्चा कहीं दूर भाग रहा है, अगर किसी में मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपका भाई छोटा भाई या आपका बच्चा अगर गलत रोड पर भाग रहा है और आपको दिख रहा है कि उस तरफ से गाड़ी आ रहा है, तो आप ये इंतजार करेंगे कि आप गाड़ी वाले को बोलेंगे कि बहुत बच्चे को बढ़िया बोलेंगे बहुत बच्चे तू बढ़िया मेरे पास आ? वेरी गुड, बहुत वेरी गुड अच्छा जवाब, बहुत बहुत अच्छा जवाब, क्या आप बहुत ये बढ़िया। बोलेंगे कि बच्चे तू मेरे पास आ? आप भागेंगे ना उस बेटे की तरफ, बच्चे की तरफ आप भागेंगे, उस बच्चे को पकड़ेंगे कि बेटा वो गाड़ी आ रहा, तुम इधर आओ, तुम गलत जगह जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये चीजें जब तक आप दिल से, जब तक आप इन चीजों को नहीं मानेंगे, हाँ बस कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती का बीच में जातिवाद है घुसा देंगे, कुछ नहीं मिलेगा पॉइंट। तो अपने आप को टीआरपी में, वो लोग वीव की बात करते हैं, अपने आप को वीव में और टीआरपी में रखने के लिए, लोगों की नजर में रखने के लिए वो मुझसे बिना मतलब का बातें कर लेते हैं, और आज तक कभी मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया कोई भी इंटरव्यू में या कोई भी लाइव आकर, जबकि लोगों ने बहुत अजीब अजीब सी बिल्कुल, फालतू लेकिन फालतू बातें चिंटू, की हैं, लेकिन बकवास बातें की चिंटू हैं। आपको बताना चिंटू आपको चाहेंगे बताना कि चाहेंगे मेरे लाइव कि मेरे सेशन लाइव में सेशन में रवि रविकिशन किशन जी, जी, निरोला जी, निरोला जी, मनोज तिवारी मनोज जी, तिवारी खेसारी जी, खेसारी जी, जी, अक्षरा जी, अक्षरा जी, फिर पवन फिर जी पवन और जी आम्रपाली और जी, सब आम्रपाली लोग जी, आए सब हैं लोग आए और हैं सब लोगों ने आपकी आपकी तारीफ तारीफ की है, अपने की अपने है हिसाब अपने से अपने हिसाब आपकी से चर्चा हुई है। चर्चा हुई है। मैंने तो जब भी भोजपुरी कोई कलाकार भोजपुरी हमेशा कलाकार एक दूसरे को हमेशा एक काफी दूसरे को काफी लेके चलते हमेशा हैं, एक जो दूसरे भी हैं, मुद्दा जो भी फैंस मुद्दा के फैंस बीच के में है। बिल्कुल वही मैं और उस पर मैंने मैंने काफी लोगों से सवाल भी किया है और आर्टिस्टों ने मेरे मंच से निवेदन किया है कि भाई आप लोग मेरे फैन हो तो मेरे बारे में सोचो, दूसरे की बुराई मत करो। सबने पवन जी, मनोज जी, सबने दिनेश जी, खेसारी जी, सबने बोला। फैंस को मैं मेरे फैंस पर ये गर्व गर्व भी करता हूँ, जो लोग अगर अगर वास्तविक में फैंस कहते हैं तो इस बात के लिए मैं अपने फैंस पर मैं दिल से मैं गर्व करता हूँ, सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि कोई कभी किसी को गलत बात नहीं बोलता है। ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग अपने संस्कार को आप लोग रखे रहिए, कोई लाख कुछ भी बोले वो आप उनको बिल्कुल आप नज़रअंदाज करिए, आप अपने संस्कार को रखिए। जो भी अगर मुझे चाहते हैं, मुझे मानते हैं, तो मैं उनसे मैं निवेदन करता हूं, और जो बाकी लोग हैं सबसे भी भाई यही चिंटू निवेदन है। चिंटू जी जी बिल्कुल चिंटू, चिंटू वर्तमान भोजपुरी वर्तमान में, भोजपुरी में जी भोजपुरी सिनेमा में भोजपुरी जितने सिनेमा में आपके जितने कंटेम्पोरेरी आपके स्टार्स हैं, कंटेम्पोरेरी स्टार्स हैं, मतलब आपके बराबरी मतलब के आपके जितने सितारे हैं बराबरी के जितने सितारे हैं स्टार्डम के मामले में, स्टार्डम के मामले में, उनमें चिंटू के नजर उनमें में चिंटू सबसे के बेहतर नजर में अभिनेता सबसे कौन है बेहतर अभिनेता कौन है? आपकी कंपनी, क्योंकि एक निर्माण कंपनी भी आपके पिताजी का है, तो उन सभी स्टार्स के साथ आपने भी बड़ी बड़ी हिट फिल्में आपकी कंपनी ने दी है, तो आपके हिसाब से सबसे बेहतर अभिनेता वर्तमान दौर में कौन है? दौर में कौन है? अगर मैं किसी एक स्टाइल में अगर मैं बोलूं तो फिर वो नाइंसाफी हो जाएगा सभी के साथ। सभी में एक बहुत ही बहुत खूबसूरत प्लस पॉइंट है और ये सभी के अंदर है। ये अगर मैं बोलूं, ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि मनोज तिवारी जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री रवि किशन जी, ये दोनों हमारे भोजपुरी के बहुत ही मजबूत स्तंभ रहे हैं, जिनकी छाव में हम सभी लोग आए हैं। उसके बाद महेश जी ने बिल्कुल चीज देखा है, मैंने उन्हें वो मेहनत करते हुए देखा है, करते हुए मैंने देखा उन्होंने कितनी मेहनत की है एक्टिंग स्किल्स और सिनेमा के लिए, मैंने खुद देखा है वो चीज, क्योंकि मेरी शुरुआत ही उनके साथ ही हुई थी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट में, दीवाना में। उसके बाद मैंने हमेशा बोला है कि भोजपुरी के अगर जब गायकों की बात आएगी, जब गाने की बात आएगी, तो उसमें जो सिरमौर है हमारे, वो हमारे पवन सिंह जी हैं। उनकी जो मधुरता, जो आवाज है, वो चाहे भोजपुरी बोल लीजिए, चाहे हिंदी जगत बोल लीजिए, चाहे किसी इंडस्ट्री में, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनसे बेहतर गायक कोई भी होगा। वो एक ऐसे गायक हैं जो अपनी आवाज से किसी भी भाषी, किसी भी लोगों को वो अपने झुमा सकते हैं, नचा सकते हैं। तो सबकी अपनी एक बहुत खूबसूरत विशेषता है, सबकी बहुत अपनी खूबसूरत विशेषता है। रितेश पांडे भाई बहुत अच्छा गा रहे हैं, उनका गाना लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मैं खुद भी सुनता हूँ, मैं सबके गाने सुनता हूँ। मैं अपने गाड़ी में जब भी कहीं भी जा रहा होता हूँ, कहीं सफर कर रहा होता हूँ, मान लीजिए थोड़ा बहुत भी अगर जब भी समय मिलता है, शूट से या स्टूडियो से या कहीं से भी, तो मैं सबके गाने सुनता हूँ और मैं सबके गाने एंजॉय करता हूँ। मैं जोर जोर से गाता हूँ गाड़ी में मेरे, मैं नाचता हूँ,
मैं एंजॉय करता हूँ गाने को, संगीत को, तो चाहे वो कोई भी गाए, वो फिर उसमें कोई नहीं, ये मैं ये नहीं देखता हूँ कि अरे ये कौन गा रहा है, अरे ये तो वो गा, ये तो फलनवा गा रहा है जिसने मेरे बारे में ऐसा बोला था, मैं ये सब बिल्कुल नहीं सुनता। मैं फिल्म भी आती है ना प्रभु, अगर किसी की फिल्म भी आती है तो मैं देखता हूँ। एक 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 बहुत ही अच्छे हमारे भाई हैं जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अरे मेरे पास तो समय ही नहीं होता है फिल्म देखने का, तो मैं, लेकिन मैं बात बोलता हूँ कि मैं सबकी फिल्म देखता हूँ। मुझे अगर एक सीन भी देखने का मौका मिलता है तो मैं जरूर देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरी चाहत है, मेरा लगाव है कि कोई भी, जो भी कलाकार है सब देखो। और मैं, मेरे साथ जो भी बैठा होता है मैं तुरंत उनको बताता हूँ कि यार देखो क्या कमाल का उन्होंने काम किया यार, क्या सीन किया इन्होंने, मजा आ गया, कॉमेडी आता है तो हम लोग हंसते हैं, मैं बोलता हूँ क्या कमाल। तो ये चीजें होनी चाहिए, और जो उसको हमेशा आपके सपोर्ट हिसाब करिए, से जितने भी हमेशा उसका सितारे साथ दीजिए, हैं कि ताकि सब में उसे, अपना और अपना, जितने भी जितने अगर सितारे आप हैं ये बोलेंगे कि सिर्फ सब चार में लोगों से अपना अपना, इंडस्ट्री, या 3 लोगों से, या 2 लोगों से, या 5 लोगों से इंडस्ट्री चलना है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्री बड़ी तभी होगी जब ज्यादा लोग इसमें होंगे, जब ज्यादा लोग आएंगे। और इसमें हमारी इंडस्ट्री में तो अभी बहुत कलाकारों की अभी जरूरत है, बहुत लोगों की जरूरत है, और मैं तो चाहता हूँ कि लोग आए, लोग मतलब जुड़े। आपके हिसाब से जितने भी आपके लोग हिसाब हैं से जितने सबकी भी अपनी लोग हैं अपनी सबकी विशेषता अपनी है। अपनी विशेषता है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और सब उस विशेषताओं के बल पर ही लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, वरना ये बहुत बिल्कुल कि बात कर रहा है कि कोई बोलता है ना कि ये तो अपने नसीब भाग्य का खा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो गलत बात है। उनके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत विशेषता है, जो 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 ऑडियंस देख रही है उस चीज को या सुन रही है, उसके सीधे दिल तक वो बात पहुंच रही है, तभी उसे प्यार कर रही है, तभी उसे पसंद बिल्कुल है। चिंटू आप जी, अच्छे हो, आप अच्छा बिल्कुल काम कर, बिल्कुल चिंटू, आपकी अच्छी आप पसंदीदा, सोचिए कुछ आपकी पसंदीदा भोजपुरी नायिका कौन है? चिंटू जी आपको आवाज आ चिंटू रही जी है मेरी? आपको जी, आवाज है मेरी? जी, आ रही है, जी आ रही है। आपकी पसंदीदा भोजपुरी पसंदीदा नायिका भोजपुरी कौन है? नायिका? ये तो ये बाबा बाबा यूई आई यू अरे भाई जो मुझे लगता है बोलिए उस मैं बारे में। यही बात अरे भाई जो अभी लगता है उस बारे में। मैं अभी जो बोल रहा कि देखिए, कि हमने जब शुरुआत जब देखी पहले, तो उन दौर में जिनके साथ मैंने खुद ने मैंने भी काम किया, उसमें रानी जी ने एक कमाल का एक जोन जिया है, रानी चटर्जी जी ने, जो कमाल की अभिनेत्री रही हैं, जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर, उन्हें हीरोज की जरूरत नहीं होती थी, वो अपने अभिनय के दम पर वो खुद सेल्फ हीरो थी वो, तो उनका एक अलग जलवा रहा है। उनके अलावा पाखी हेगड़े जी, रिंकू घोष जी, मोनालिसा जी, इन लोगों ने एक एक कमाल का दौर जिया है। अब जब इन दौर की बात करूं, इस दौर की बात करूं, तो इसमें आम्रपाली दुबे जी बहुत ही कमाल की अभिनेत्री, छोटी से छोटी चीज बहुत कमाल परफॉर्म करती हैं वो। अक्षरा सिंह जी, जो अब तो बहुत ही खूब अदाकारा के साथ साथ बहुत खूबसूरत गायिका हो ही गई है। काजल राघवानी जी का जो ग्लैमर है, जो उनका ग्लैमर प्रेजेंट है, और साथ साथ जो उनके अभिनय, जो सादगी जो उनके ग्लैमर के साथ, जब उनके खूबसूरती के साथ जब मिक्स होता है, तो वो एकदम अद्भुत होता है, वो आपको सीधा दिल में एकदम टच कर जाता है। तो आपके दिल में जितनी भी टच हमारी करता अभिनेत्री हैं, सब सभी है, अपने आपके दिल लेवल में पर, टच अपने करता है अपने मतलब। जोन में बहुत अच्छा काम करती हैं। मुझे सबके स्टाइल अलग हैं, सबके एक्सप्रेशंस अलग हैं, और सबके रिएक्शंस अलग हैं, तो वो बहुत, मुझे सभी बहुत अच्छी लगती हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि सबने बहुत कुछ हासिल किया और सब बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। चलिए बहुत बहुत, चलिए बहुत बहुत। आपकी पसंदीदा आपकी भोजपुरी पसंदीदा फिल्म? भोजपुरी फिल्म? पसंदीदा भोजपुरी फिल्म, अगर मैं अपनी बात करूं, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी फिल्म सात सहेलियां। आपके सात सहेलियां मुझे बहुत, पसंदीदा आपके पसंदीदा पसंदीदा निर्देशक कौन पसंदीदा है आपके? निर्देशक कौन है आपके? वो तो अगर मैं अगर एक नाम लेना हो, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली श्री राजकुमार आर पांडे जी, एज ए बिल्कुल निर्देशक। बिल्कुल 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 वो मेरे ही नहीं बल्कि बिल्कुल कईयों चिंटू के जी, ही चिंटू फेवरेट है, लेकिन जी उनके अलावा भी बिल्कुल जित मैंने हाँ विवाह किया, मैं सॉरी खाली एक बात बोलना चाहूंगा कि मैंने विवाह किया, मिला के रखना 2, 2 फिल्में मैंने मंजू ठाकुर जी के साथ काम किया, काफी कमाल के निर्देशक हैं।
मतलब बहुत मजा आया उनके साथ, और काफी नया सोच रखते हैं वो। उनके अलावा अभी मैंने पराग पाटिल जी के साथ काम किया दोस्ताना में, हमारी बातें तो बहुत समय से हो रही है लेकिन हमने अभी काम किया और मैंने वो फील किया कि बहुत बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं अब हमारे इंडस्ट्री में, तो सबके साथ वेरी काम गुड, करके बहुत मजा आ रहा है। देव पांडे जी हमारे बहुत वेरी गुड, बेहतरीन निर्देशक हैं, उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त अब तक नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्द हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं। रजनीश मिश्रा जी बहुत अच्छे, तो ये जितने भी हमारे अभी जो आ रहे हैं नए फ्लेवर्स और नए स्टाइल और नए टेकिंग लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। चिंटू जी। इस चिंटू जी, सेशन का इस सेशन लास्ट का क्वेश्चन है लास्ट आपसे, क्वेश्चन है आपसे, जी आपके बाद भी आपके बाद भोजपुरी भी में काफी भोजपुरी में अभिनेता काफी आए हैं, अभिनेता आए हैं, अभिनेता आए हैं, अभिनेता आए हैं, आपको जी किससे आपको उम्मीद है कि वो बहुत किससे अच्छा उम्मीद है कि करेंगे? वो बहुत अच्छा करेंगे? अभिनेताओं में मुझे मेरे बाद आने में मतलब आपके बाद की बात, मतलब आपके जो लोग बाद सुपरस्टार मतलब जो नहीं लोग बने हैं अभी, सुपरस्टार जो लोग अभी नहीं अपने बट जो लोग करियर अभी को अपने संवालने में लगे करियर हैं, को उन संभालने में अभिनेताओं लगे की हैं, उन बात कर अभिनेताओं रहा की हूँ। बात कर रहा हूँ। मैं वो समझ गया भाई, और उसमें जैसे रितेश पांडे भाई हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कल्लू भाई हैं जो गोल ऋषभ कश्यप गोलू हैं, ऋषभ कश्यप गोलू बहुत अच्छे बहुत अच्छा कलाकार और मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त, बहुत ही बेहतरीन एक्टर, मतलब अगर बिल्कुल मैं एज ए परफॉर्मर की बात बिल्कुल करूं, एज ए एक्टर की बात करूं, हमने एक फिल्म साथ में की थी दिलवाले, और वो किसी कारणवश वो फिल्म अब तक नहीं आ पाई है लेकिन उम्मीद है आएगी, कि अब बहुत जल्द जल्दी आ आएगी। जाएगी, वो कुछ प्रोड्यूसर्स की आपसी बातें हैं उसमें, उसमें हमने साथ में काम किया, तो ऋषभ कश्यप गोलू बहुत ही उम्दा और बहुत ही कमाल के अभिनेता हैं। रितेश भाई के साथ हमने फिल्म की थी ट्रक ड्राइवर 2, बहुत ही प्यारे इंसान और बहुत ही अच्छे अभिनेता, तो इन सब में बहुत मुझे मुझे दिल से इन सब से बहुत उम्मीदें हैं, बल्कि मुझे ही नहीं हम सबको है, भोजपुरी इंडस्ट्री को है कि प्रमोद प्रेमी भाई ऐसे बहुत सारे हमारे जो अभी कलाकार बहुत सारे अच्छे आए हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सब लोग भोजपुरी को और आगे बढ़ाने में और अच्छा एक स्तर और अच्छा एक नाम जरूर देंगे। तो बहुत अच्छा अच्छा बहुत अच्छा सवाल जवाब अच्छा हुआ सवाल चिंटू जवाब हुआ जी, चिंटू और जी, नेटवर्क और इश्यूज नेटवर्क होते हुए भी इश्यूज हम लोगों ने होते हुए अपना भी हम सेशन लोगों ने पूरा अपना किया। सेशन पूरा उम्मीद किया, करता हूँ कि उम्मीद आपको भी करता ये हूँ कि सेशन आपको भी काफी ये सेशन पसंद आया काफी होगा। पसंद आया होगा, बहुत मजा आया मुझे, बहुत ज्यादा मजा आया, और मैं आपको एक बात बताऊं कि आज काफी बातें हैं जो हमारे जो दिल से निकली, आज काफी बातें जो शायद आप लोगों को जी नहीं जी पता बिल्कुल अभी, बिल्कुल जी जी बिल्कुल और बिल्कुल पहली बार ये आपके माध्यम से लोगों को पता चला है, और मैं एक और बार आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कमेंट में कई बातें बार बार ये लोग बोल रहे हैं कि मैं किसी को बात देती, लेकिन मैंने मेरे मुंह से कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट कभी ऐसे कोई शब्द नहीं निकला है, और मैं जो लोग जो बोल रहे हैं मैं चाहूंगा देखिए कि वो अक्षरा अक्षरा सिंह ने अक्षरा सिंह लिखा ने है कि लिखा है गोलू कि गोलू गोलू डिजर्व करते गोलू हैं ऑल डिजर्व ओवर। करते बिल्कुल हैं ऑल ओवर, बिल्कुल, हाँ हाँ गोलू बहुत बेहतरीन गोलू बहुत अभिनेता है, बेहतरीन अभिनेता उन्होंने है, वही मैंने उन्होंने कहा, और काफी अच्छी अच्छी फिल्में भी आई हैं उनकी। एक फिल्म उनकी आई थी खूब चली थी, तू ही तो मेरी जान है राधा, बहुत बड़ी हिट फिल्म,